धनबाद के महिला थाना में उस वक्त दो परिवारों के बीच हंगामा देखने को मिला जब पहली पत्नी ने अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया। धनबाद नगर निगम में सफाई कर्मी के पद पर काम करने वाले युवक ने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कर महिला थाना पहुंचा। वह युवक की पहली पत्नी के भाई ने बताया कि वो पटना बंद गुमटी आर ब्लॉक के रहने वाले हैं। 3 साल पहले बहन का विवाह धनबाद गोल्फ ग्राउंड निवासी राज नामक युवक के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न की गई थी। विवाह के वक्त दहेज में नजराना भी दिया गया था। दोनों पति पत्नी के बीच दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय चल रहा था। इस दौरान 2 बच्ची का जन्म भी हुआ। 2 बच्ची के जन्म के बाद युवक और उनके परिवार वाले भड़क गए और उनका कहना है कि बेटा क्यों नहीं हुआ। इस बात को लेकर आए दिन ससुराल वाले और पति प्रताड़ित करते रहते थे। दूसरी शादी की बात पता चली तो वो महिला थाना में शिकायत करने की तैयारी की जा रही है। किसी आज महिला थाना ना आया जी, समस्या ये है, मेरा नाम प्रमोद है, मैं पटना के रहने वाला हूँ। आर ब्लॉक पर मेरा घर है, ये मेरा बहन है, इसका शादी 3 साल हो गया, जिसे बड़ा ऑपरेशन से दो किए थे। शादी शादी धनबाद में किए थे। धनबाद में किस जगह पे? गोल्फ ग्राउंड। गोल्फ जी। अच्छा। तो 3 साल शादी को हो चुकी है, 2 बेटियां है जो बड़ा ऑपरेशन से हुई है। जब 2 बेटियां होने के बाद ना मेरी बहन को सताने लगा, इसकी ससुर मारती है, इसकी ननद मारती है, वो जाके 10 दिन पहले किस लिए मारती है कि इसको टॉर्चर किया जाके तुमको बेटी कहीं हो गया, इसलिए टॉर्चर किया, बेटा मांगा जा रहा है। बीच में जो पैसा मांगा गया उसके लिए मोबाइल भी हम 15,000 का मोबाइल भी किन के दिए। हाँ, और दूसरे बात की 10 दिन पहले पहुंचा दिया गया है। 10 दिन जैसे बीता उसके बाद एक लड़की शादी छुदा करके घर में रख लिया गया है। कोई कोर्ट का बढ़िया कागज़ नहीं है, वकील अभी आया था, कोई कागज ठीक से उसका नहीं है। जब इसी का तो कोई आदमी मेरा संपर्क किया, ऐसा सब मैटर है। हम लोग पटना से गाड़ी धरे धनबाद स्टेशन पर पहुँचे 5 बजे भोर में। जब घर में एंट्री किए तो देख रहे कि लड़का और लड़की दोनों है साथ में, दोनों साथ में है। तो हम लोग महिला थाना आए, हम लोग ऐसा सब बात केस लेके आए हुए। ये प्रावधान है कि एक बीवी के रहते हो दूसरा शादी नहीं कर, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। जी, मैं चाहता हूँ उसको जाना चाहिए किसी के लिए। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग केस चाहते हैं बस, हम ऐसा लड़का पर नहीं रखना चाहते बस। धोखाधड़ी हो रहा है और सबसे घर बिगाड़ने में थाना वाला केस ले रहा है। तेज अभी कुछ पते नहीं चल रहा है, घुमा रहे हैं बस, खाली घुमा रहे हैं बस, घुमा रहे हैं सर। कल से परेशान हम लोग, कल से परेशान हम लोग बस। उसकी नाना जो है वही घर बिगाड़ी है, सारा घर को फोड़ी है। तुम मेरे भाई लायक नहीं हो, तुम नहीं रहेगी। पटना आर ब्लॉक बंद गुमटी पास हम लोग रहते हैं। मेरा नाम प्रमोद है, मेरा बहन का सीमा नाम है। वहीं दूसरी शादी के मामले पर महिला थाना प्रभारी विशाखा कुमारी ने बताया कि पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कर महिला थाना पहुंचा है। लिखित आवेदन मिलने के बाद इसकी जांच की जाएगी। जांच के बाद जो न्याय संगत होगी वो कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अभी तक लिखित शिकायत नहीं की गई है और दोनों परिवार के लोग महिला थाना में जमे हुए हैं। मैडम, एक मामला सामने आया है कि एक पत्नी को रहते हुए दूसरी शादी करके ले आया है और महिला थाना में मामला आया है, क्या कुछ मामला थोड़ा सा बताइए। हाँ, एक मामला आया हुआ है, पटना की रहने वाली है लड़की, मायके है उसका पटना में, ससुराल है यहाँ पे तेलीपाड़ा के पास। तो उसका कहना है कि उसका पति को अपने साथ भेज दिया जाए ससुराल मेरे साथ, और जिससे वो शादी करने का बात कह रहा है उसको अलग करवा दिया जाए ताकि हम लोग पति पत्नी की तरह अच्छे से रह सकें। ये लड़की का कहना है, जो शादी का आवेदन दी है ना जो लड़की, कि डबल शादी करने वाला है मेरा पति, उसका कहना है कि मेरे पति को मेरे साथ मेरे ससुराल भेजा जाए और उस लड़की को अलग किया जाए। तो हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है, अगर केस करना चाहेगी लड़की पति पे तो केस कर देंगे, और अगर केस नहीं करना चाहती है, पति के साथ जाना चाहती है, तो जैसा उसका इच्छा। पहला पत्नी का कहना है कि 2 लड़की है उनसे, ठीक है ना, 2 लड़की है और लड़का नहीं हुआ, जिसका वजह से इसको टॉर्चर किया जाता है, मारपीट किया जाता है, और इसीलिए वो दूसरा शादी किया है, ऐसा कुछ मामला? मामला जांच में चल रहा है, जांच करने के बाद आप लोग को सूचित किया जाएगा जो कुछ भी।